हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज अपने उसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक को मैं बढ़ा रहा हूं, और जिसमें मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। आज हमारा टेलीस्कोप का क्लास है, और इसमें सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? एस्ट्रोनॉमी ब्रांच में यूज होता है खगोल शास्त्र, जिसमें हम स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो डेफिनेटली सारे स्टार्स बहुत दूर हैं, प्लैनेट्स दूर हैं, तो उनको कैसे देखा जाए? माइक्रोस्कोप क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट कितना पास रखा था ना लेंस के पास में, राइट? माइक्रो स्कोप। लेकिन जब हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा हुआ है, और अगर ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट से दूर है तो लाइट काफी अगर दूर से आती है तो उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? तो अब चलते हैं हम लोग टेलीस्कोप पे। स्टूडेंट्स देखिए, टेलीस्कोप में भी हम बता चुके हैं कि दो लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव इधर होगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव विल बी टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड आईपीस विल बी टूवर्ड्स द आई, राइट? अब इस केस में हमारी कहानी थोड़ी सी उलट जाती है। क्यों? क्या पहले क्या उलटती है आपको याद होगा? पहले ये देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है। ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप में स्मॉल फोकल लेंथ और एपर्चर का था, जबकि आईपीस लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर का था। जबकि टेलीस्कोप में केस उल्टा हो गया, और ऑब्जेक्टिव हमारे लार्ज फोकल लेंथ और एपर्चर का है, जबकि आईपीस स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का है। स्टूडेंट्स पहले एक बात ये सोचिए कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव हमारा स्मॉल फोकल लेंथ और एपर्चर का था, जबकि आपके टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर का है। इसका कारण क्या है? तो पहले टेलीस्कोप देखिए, ये क्योंकि इसको लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर का इसलिए रखा गया है क्योंकि लाइट काफी दूर से आ रही है, तो वैसे ही डिस्टेंस से आने के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और अगर कम पार्ट पे रिसीव होगी यानी एपर्चर इसका कम होगा तो ब्राइटनेस इमेज की कम हो जाएगी। तो लार्ज होने का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट कर सके, ठीक है? और माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट वैसे ही माइक्रो था। अगर हम ऑब्जेक्टिव को लार्ज एपर्चर का बनाते तो पूरे एपर्चर में एक्सपैंड कर जाता, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती ना, तो इसीलिए छोटा सा रखा है ताकि छोटे स्पेस में उससे जो भी लाइट है इमेज हमको फाइन और ब्राइट मिले, राइट? अब इमेज फॉर्मेशन देखिए, ऑब्जेक्टिव आईपीस है इसमें कोई डाउट नहीं है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, और हम पहली कंडीशन के लिए लेके चल रहे हैं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें लिख दे रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने बाकी चीज सब लिख दी, केवल समझाना है आपको। इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पहली कंडीशन, इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन, लार्ज डिस्टेंस स्टार मून बहुत दूर पे है ऑब्जेक्ट, वहां से लाइट आ रही है, और हम ये मानेंगे जो लाइट आ रही है वो एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और दूसरी यहां से जा रही है। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दैट द लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट, सीधे जाती है, जबकि दूसरे पोर्शन से जाने वाली बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहां तक तो सीधी आ रही है, उसके बाद बेंड कर रही है। अब जहां पर दोनों मिलेंगी, व्हाट इज दिस? दिस इज योर इमेज, यानी ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव से यहां पर मिल रहा है, राइट? अब मैंने फिर बताया था कि ये जो इमेज मिलता है दैट वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, तो ये ऑब्जेक्ट लिए आईपीस का काम करेगा, तो ये आईपीस का काम कर रहा है, तो यहां से फिर दो लाइट चलेगी, एक लाइट के पैरेलल जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही वो स्ट्रेट चली जाएगी
और बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे उसको, और जो पैरेलल जा रही है वो फाइनली पास थ्रू द फोकस, तो दोनों टकवर्स हुए आ रही है, दूर चली आ रही है, तो दोनों मिलेंगे नहीं, उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो कि यहां दिखाई दे रहा है तो वो यहां पर मिल रही है, एंड दिस इज द फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर? अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। अब टेलीस्कोप की डिस्टेंस तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, 1 मीटर होगी या जो भी हो, लेकिन यहां से स्टार से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके कंपेरिजन में डिस्टेंस निगलेक्ट कर दे तो हम यही से अल्फा मान ले रहे हैं, ये डिस्टेंस जा रही है एंगल, तो अल्फा, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा ना, यस ठीक है। और ये हमारी आईज है, यहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब इमेज, इमेज जो एंगल बनाएगा दैट इज बीटा, चाहे इसका ले लिए चाहे इसका ले लिए, दिस एंगल इज बीटा। कोई डाउट? ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट बनने वाला विजुअल एंगल अल्फा, और थ्रू इंस्ट्रूमेंट लेंस के थ्रू यानी इमेज से बनने वाला विजुअल एंगल दैट विल बी योर बीटा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा की जानकारी आपको दे दी। अब हम ये कंडीशन क्या है, इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि दिखाई दे रहा है, मैंने इसको डी मान लिया है, राइट। तो अब सारे नोटेशन देखिए, ये अल्फा है इसलिए ये भी अल्फा है, ये बीटा है, ये ऑब्जेक्टिव है ओ, आईपीस का ई, ये आईपीस का फोकल लेंथ एफ ई, और ये इमेज जो है आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसलिए यू ई, और ये इमेज है फाइनल, देयरफॉर दिस इज बी फॉर द आईपीस, और ये एफ ओ फोकल लेंथ लिया गया हम लोगों ने, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, दिस इज नॉट अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहां पे गई है, ठीक। चलिए अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर स्टूडेंट्स आपको मालूम है इट इज द रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, यस, जो कि मैंने माइक्रोस्कोप में डिफाइन भी किया था। तो एम इज इक्वल बीटा अपॉन अल्फा, एंड सिंस वी कैन राइट इट इन द टर्म्स ऑफ टैन, तो बीटा अपॉन अल्फा इज टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। अब टैन बीटा टैन अल्फा, देखिए ये बीटा है टैन बीटा, तो टैन बीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, लिखा मैंने डायरेक्ट रखा पे, फिर टेन अल्फा, अल्फा ये है इसको भी अल्फा ले सकते हैं, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, सीधे एम ए मैंने टेन बीटा और टेन बीटा डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट किया, और देखिए ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा ना, और बी डैश को ऊपर जाएगा, तो यू विल हैव एम इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई। बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ एफ ओ फोकस के नियर, तो दिस इज एफ ओ एंड बी डैश ई, बी डैश ई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरीके से देयरफॉर यू ई, तो ये क्या हो गया एफ ओ अपॉन माइनस यू ई, यू ई नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में, लाइट रे गेट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। अब एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ओ अपॉन यू ई, राइट। अब आप आईपीस के बारे में देखिए, ये तो हमने पूरा जनरल मैग्निफिकेशन निकाल दिया, आईपीस के देखिए, आईपीस के लिए यू क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यू की जगह यू ही हो जाएगा, और वी क्या हो जाएगा, ये इमेज यानी डी, और दोनों क्योंकि लाइट राइट साइड की आ रही है और ये मेजरमेंट लेफ्ट साइड का है, दोनों निगेटिव होंगे, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है फॉर आईपीस यू इज इक्वल टू माइनस यू ई, v is equal to minus d, u is equal to minus u e and v is equal to minus d। जब मैंने इसको पुट किया तो हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, और आईपीस की बात कर रहे हैं तो f की जगह क्या हो जाएगा fe, तो 1 by fe is equal to 1 by v minus 1 by u, v की वैल्यू d नेगेटिव में और u की वैल्यू माइनस यू ई, सॉल्व किया 1 by u e फाइंड किया 1 by fe plus 1 by d, 1 by u e, क्यों, क्योंकि m क्या था हमारा, m was minus fo upon u e, यानी fo into 1 upon u e, तो 1 upon u e फाइंड कर लिया है और ये वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। ये समझ में आ गया, यहां पे तो समझ में आ गया था, फिर यहां से शुरू किया, ये देखा 1 by u e की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो m is equal to fo minus fo into 1 by u e की वैल्यू, ये 1 by fe कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 या fe upon d, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
मैग्निफिकेशन, और ये क्लियर है कि एस ओ हमारा लार्ज होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ लार्ज होना चाहिए आईपीस के कंपैरिजन में, तभी हमारा मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा होगा। अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा, जो बता रहा है कि हमारा जो इमेज बन रहा है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स दिस इज द री डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कंडीशन वन, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस वन मैग्निफिकेशन। यहां से कंस्ट्रक्शन मैंने बताई दिया कि एक ऑब्जेक्टिव है एक आईपीस है, दोनों को पाइप में फिट कर देते हैं अलग अलग एंड पे, एंड रैक एंड पिनियन में दर से इसको टू एंड फ्रो आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं इमेज ब्राइट फाइन करने के लिए, दिस इज ओवर। तो ये तो पहली बात, एफ ओ ज्यादा होना चाहिए, एफ ई कम होना चाहिए तभी मैग्नीफाइंग पावर अच्छी होगी, ठीक है राइट। और माइनस साइन क्या बता रहा, इमेज रियल और इन्वर्टेड है। तो अभी वीडियो पॉज करिए और इतना नोट कर डालिए फट से, फिर हम आगे की बात करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस, पहला केस क्या था, इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लेकिन सेकेंड केस है इमेज एट इंफिनिटी, इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है। देखिए ये हमारा डायग्राम पिछला वाला है, इमेज क्या बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इन्फिनिटी के लिए क्या करना है सेम डायग्राम, लाइट रे आएगी यो जाएगी यो जाएगी, यहां तक तो ठीक है, इस रे को हम रिमूव कर दे रहे हैं, देखिएगा दिस रे इज रिमूव फ्रॉम हियर। अब क्या चाहिए, इनफाइनाइट पर इमेज बनने का मतलब क्या हुआ कि लाइट रे पैरेलल हो जाए, तो बस यहां से एक लाइट रे इसके पैरेलल ले लीजिएगा और इसको बैक यहां कर दीजिएगा। अब देखिए दोनों लाइट रेस पैरेलल है तो ये इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये आपका माइनस यूई तो रहने देना है, ठीक है। अब देखिए इसकी कंडीशन में कहते हैं ये इमेज इनफाइनाइट बनने के लिए डायग्राम बन गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि आई पीस को इस तरीके से एडजस्ट करिए कि जो इमेज ए डैश बी डैश बन रही है वो फोकस पे बने, यानी ये एफ ओ हो और ये एफ ई हो दोनों, ठीक है। इसका मतलब अगर हम एम की बात करते हैं तो दिस इज बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, और ये क्या मिलता है टेन बीटा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, टेन अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, जो कि पिछले केस में था ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, ये बिल्कुल पिछले केस में था, ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्निफाइंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अब कहते हैं फॉर रिलैक्स आई, इनफाइनाइट इमेज बन रही है, मैं बहुत दूर की पास देखता हूं तो आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है ना, ये पास देखो तो तनाव पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हमको दूर देखना है तो आईज आर रिलैक्स। तो इसका मतलब इसके बाद कहते हैं फॉर रिलैक्स आईज बी डैश ओ, बी डैश ओ इज इक्वल टू एफ ओ और बी डैश इज इक्वल टू माइनस एफ ई, बी डैश ओ, बी डैश ओ क्या हो जाएगा एफ ओ और पॉजिटिव, और बी डैश ई क्या हो जाएगा एफ ई, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है कि आई पीस इज सो एडजस्टेड दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इट्स फोकस, यानी दोनों फोकस है। तो इसका मतलब देयरफॉर एम इज इक्वल टू बी डैश ओ एफ ओ और बी डैश ई माइनस एफ ई, यानी दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम इसी बात की बात
बाद में करते हैं। यस, वीडियो पॉज करिए। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया ना? तो ये हमारा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसमें हमने दोनों केस बता दिए कि जब इमेज बनती है आपकी कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा इमेज इनफाइनाइट में बनती है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरे टेलीस्कोप के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था, लेंस था ना, दोनों लेंस थे, ऑब्जेक्टिव आईपीस, रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो इसलिए उसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। लेकिन अब जो टेलीस्कोप बता रहे हैं, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और इसे बोलते हैं कैसेग्रेन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सुनिए, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। एक प्राइमरी पैराबोलॉइडल मिरर, ये जो है आपका प्राइमरी पैराबोलॉइडल मिरर, ये ऑब्जेक्टिव है। कैसे उसमें ऑब्जेक्टिव आईपीस होते थे, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव। इस मिरर के मिड में होल बना हुआ है, राइट। इस मिरर के ठीक पास में सेकेंडरी मिरर रखा गया है। अब दोनों, इसकी आउटर सरफेस पॉलिस है, इसकी इनर पॉलिस है, ये कॉनकेव हो गया ना, और ये कैसा हो गया, कॉन्वेक्स, ध्यान रखिएगा। और ये पैराबोलाइडल मिरर है, सर्कल पैराबोलाइडल, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब यहां पर आईपीस रखा गया है, इसकी फोकल लेंथ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, दिस विल बी एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, एफ ई, राइट। क्या हो रहा है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से चल के आ रही है, दूर रखे ऑब्जेक्ट से आ रही है, पैरेलल लाइट, तो ये लाइट आकर के प्राइमरी लेंस पे फॉल करती है। जब यहां फॉल करेगी, कॉनकेव मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के जब ये आएगी तो इस सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर पर फॉल करेगी। अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये इस होल को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी। यहां पर आपका आईपीस रखा हुआ है, और इस आईपीस में आप इमेज को देख रहे हैं। यस, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कैसेग्रेन टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये समझ में आ गया। अब दो कंडीशन इमेज फॉर्मेशन की, हमारी दो कंडीशन है, और वो क्या है, पहली है इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरी कंडीशन है इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी। और इस टेलीस्कोप में हम केवल आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, पहला व्हेन फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई इन ब्रैकेट वन प्लस एफ ई बाई डी, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी पैराबोलॉइडल ऑब्जेक्टिव मिरर की फोकस, और एफ ई क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। यस, तो दिस इज द फॉर्मूला। और दूसरी कंडीशन, जब फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी यानी एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, और एफ ओ ये है ना, तो R by 2 भी कह सकते हैं अगर आपका मन करे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोलॉइडल मिरर इज R, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, जिसको R by 2 भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, FO upon FE, this is the next formula। तो ये दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं आपके रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे यहां पर एक चीज बोली कि पैराबोलॉइडल ये जो हमारा मिरर है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर है, दैट इज पैराबोलॉइडल। पैराबोलॉइडल का मतलब क्या हुआ, पैराबोलॉइडल क्यों ले रहे हैं, एक्चुअली इसके पीछे कारण ये है कि मिरर या लेंस एबरेशन प्रोड्यूस करते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, मतलब इमेज एक ना आकर के एक ऑब्जेक्ट की कई कई इमेज आती हैं। उसका कारण अलग है, वो टॉपिक अलग है, लेकिन बता दे रहा हूं फिर भी कि एबरेशन एक डिफेक्ट है जिसमें इमेज कलर्ड और ब्लर्ड मिलती है।
यस, इमेज फॉर्म इज कलर्ड एंड ब्लर्ड। तो उसी क्रोमेटिक एब्रेशन या स्फेरिकल एब्रेशन के डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम इस मिरर को स्फेरिकल ना रख करके पैराबोलाइडल शेप दे देते हैं। स्फेरिकल का मतलब ये और पैराबोलाइडल का मतलब ये, ध्यान दीजिएगा, ये स्फेरिकल ये पैराबोलाइडल। वहां मैंने दिखाया तो स्फेरिकल है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली वो है क्या, दैट इज पैराबोलाइडल शेप ऑब्जेक्टिव मिरर। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर कंप्लीट हो गया, आपने मैग्नीफाइंग पावर लिख ली। अब हम आपको जो बताने आ रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। मतलब ये जो कैसीग्रेन टाइप का कैसीग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारा ये अलग है। रिफ्लेक्टिंग क्यों है, क्योंकि यहां पर ये मिरर यूज किया गया है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बेटर होता है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको समझा दे रहा हूं। पहली बात, मेन कारण यही है कि ये हमारा मिरर है और मिरर जो है लाइट लेस अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू लेंस। तो उससे क्या होता है कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट जो डल से भी दिखाई दे रहे हैं उनकी इमेज ब्राइट आती है। ठीक है, लेंस तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब भी करता है मिरर भी, लेकिन लेस अमाउंट की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट जो कि डल से दिखाई दे रहे हैं उनकी इमेज भी इससे ब्राइट बनती है। तो बेटर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां लेंस होता है, तो वो क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो बहुत ज्यादा फाइन इमेज नहीं मिलती। दूसरी चीज, क्योंकि मिरर है तो मिरर होने की वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन यानी कलर्ड इमेज आने वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। लेंस में क्या होता है, कलर्ड इमेज आती है जिसको हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कलर्ड मिलने लगे तो क्रोमेटिक एब्रेशन कहलाता है। तो क्योंकि ये मिरर है लेंस नहीं है तो क्रोमेटिक एब्रेशन का भी डिफेक्ट दूर हो जाता है। तीसरी चीज, ये पैराबोलाइडल है तो इसलिए स्फेरिकल एब्रेशन भी रिमूव हो जाता है। यही सब इसके एडवांटेजेस हैं और मैंने यहां पर लिख रखा है, देखिए, सिंस मिरर एब्जॉर्ब्स लेस लाइट हेंस इमेज फॉर्म इज मच ब्राइटर देन द इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दूसरा है, ड्यू टू लार्ज एपर्चर इट हैज हाई रिजॉल्विंग पावर। इसका एपर्चर बहुत ज्यादा बना सकते हैं, लेंस हाई एपर्चर का नहीं बना सकते ना, ठीक है, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव इज मिरर, दिस इज मिरर एंड देयरफॉर इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। और लास्ट पॉइंट में मैंने जो लिखा है, क्योंकि इट इज पैराबोलाइडल शेप, इसका शेप कैसा है, पैराबोलाइडल, एंड देयरफॉर इट रिड्यूसेस स्फेरिकल एब्रेशन। ये दोनों डिफेक्ट है, एब्रेशन इज द डिफेक्ट, और ये दो तरीके का है, क्रोमेटिक एब्रेशन और एक स्फेरिकल एब्रेशन, और दोनों इस कंडीशन में रिमूव हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मच बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और व्हाट आई थिंक इज दैट नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, 2021 के हिसाब से ये सिलेबस आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, न्यूमेरिकल्स कराते हैं, राइट, थैंक यू। वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, क्या, वाई रिफ्लेक्टिंग इज बेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल या रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दिस इज क्वेश्चन। ये इसके आंसर्स दिए गए, चार पॉइंट दिए गए, राइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वेरी सून वी विल मीट।
in next lecture. Bye.